नमस्कार, मैं राजेश आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 5th of September 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उन सभी का हम फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी भी वन डे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपके क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 5th of September यानी कि 5 सितंबर। आज कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? तो देखो, आज सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे, ठीक है, शिक्षक दिवस। जो टीचर्स होते हैं ना, जो शिक्षक होते हैं, वो हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि मान लो जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को जब तुम देखोगे तो नॉर्मल मिट्टी है ना, लेकिन उसको जो एक कुम्हार होता है वो उसको उसको पीट पीट कर, उसको संवार संवार कर एक ऐसा बर्तन बना देता है, एक ऐसा घड़ा बना देता है जो तुम्हारे कितने काम आता है। तो तुम से सोच सकते हो कि ऐसे एक शिक्षक जो होता है वो हमारी लाइफ में उस कुम्हार की तरह काम करता है। जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो बेसिकली कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उसको किस रूप में ढालना है, उसको कौन सी डायरेक्शन देनी है, ये काम कौन करता है? टीचर्स करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है वो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में शिक्षकों का या टीचर्स के इम्पोर्टेंट रोल को कह सकता हूँ कि मैं शो करने की कोशिश की जाती है। जैसे किसके नाम पर मनाया जाता है, याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ये इतने बड़े, इतने अच्छे टीचर थे, इतने अच्छे टीचर थे, ऐसा कहा जाता है कि उनका 27 बार नोबेल प्राइज के लिए नाम भेजा गया था। और उनको भारत का पहला जो भारत रत्न था 1954, वो भी किसको मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। हालांकि दो लोग और थे उनके साथ, सीवी रमन और आपके राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एक बार इनसे पूछा गया कि इनके जो स्टूडेंट थे वो एक बार चाहते थे कि इनके बर्थडे पर इन्हें कुछ गिफ्ट दें। तो जब वो एक साथ उनके पास पहुंचे उनको गिफ्ट देने के लिए, तो उन्होंने गिफ्ट लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरा जो जन्मदिन है ना वो शिक्षक दिवस यानी कि ऐसे रूप में मनाया जाए जिस रूप से तुम्हारा कुछ भला हो। तो अल्टीमेटली उनकी डेथ के बाद क्या किया गया, उनका जो बर्थडे था, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसको हम किस नाम से मनाने लगे? टीचर्स डे के नाम से मनाने लगे। हैप्पी टीचर्स डे कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो आज के दिन हम टीचर्स के इंपॉर्टेंस को क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं कि हमारी सोसाइटी को ढालने के लिए एक सही डायरेक्शन देने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो एक अच्छे शिक्षक की जरूरत होती है, ठीक है, या शिक्षक की जरूरत होती है, ठीक है। तो चलिए इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज आती है, सबसे पहले आपके सामने, लैंडस्लाइड्स किल 6 इन नागालैंड की नेशनल हाईवे ब्लॉक। देखो हुआ क्या, एक्चुअल में समझना कि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है ना, मानसून चल रहा है, तो बेसिकली होता क्या है कि जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। और ये एक ऐसा इशू है जिसको हम डिटेल में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देख रहे होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि जो केरला में लैंडस्लाइडिंग हुई थी उसके ऊपर भी हमने डिटेल एनालिसिस किया था कि कैसे लैंडस्लाइडिंग हो पाती है, क्या उसके रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ है, तो हम इसको सिंपल वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पीछे की बातें हम पहले पढ़ चुके हैं कि हो सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही हो सकता है कि बारिश की वजह से जो पहाड़ बने होते हैं वो स्लाइड कर जाते हैं, उसके जो टुकड़े स्लाइड कर जाते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि जो आपका नागालैंड और जो आपका बेसिकली जो मणिपुर है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक नेशनल हाईवे कौन सा, NS-29। और इस NS-29 नेशनल हाईवे को क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। किसकी वजह से? इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से। इसमें लगभग 6 लोग मारे भी गए हैं, अगर आपने फोटो वगैरह देखी होंगी तो एक ट्रक पूरा का पूरा इसमें दब जाता है। तो बेसिकली एक ऐसा इशू है जो हमारे एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज हो रही है इसकी वजह से, समझ में आ रही है ना। और अगर बात आती है नेशनल हाईवे की, तो कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, तो तुम्हारा नेशनल हाईवे 29। कितने नेशनल हाईवेज है हमारे पास, हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करनी है, तो हमारे पास लगभग 200+ नेशनल हाईवेज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बिजिएस्ट कौन सा है, तो NH-8 यानी NH-48, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे बिगेस्ट कौन सा होता है, तो NH-7 यानी कि NH-44, जो कि नाम बदले जा चुके हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। और अगर पूछे सबसे छोटा नेशनल हाईवे कहां पर है, तो केरला के अंदर, और वो कौन सा है, तो NH-47A,
ठीक है, आप मुझे बताना उसकी लेंथ कितनी है और वो किसको कनेक्ट करता है, ठीक है, और क्या उसका नाम बदल दिया गया है, अगर बदल दिया गया है तो कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली 1.19er के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो हमने जब केरला में लैंडस्लाइडिंग हुई थी उस समय हमने पढ़ ली थी, तो आप एक बार उस वाले लेक्चर से देख सकते हो। चलते नेक्स्ट, लेटेस्ट ILO स्टडी लिंक्स AI टू डीप इन लेबर इनकम। देखो हुआ क्या, पहले समझना AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काफी हॉट टॉपिक बना हुआ है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कब था, 1956, अब तक तो याद हो गई होंगी तुम्हें चीजें। लेकर कौन आया था इसको, तो इसका फाउंडर कौन है, तो याद रखना जॉन मैकार्थे। कौन है इसका फाउंडर, जॉन मैकार्थे, ठीक है, 1956। आज इसको क्या कह देते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, ChatGPT, और ChatGPT लाने वाला कौन था, सैम ऑल्टमैन, ठीक है। और ChatGPT के बाद अगर मैं तुमसे कहूं कि कंपनी कौन सी थी, वो OpenAI, ये भी आपने कई बार सुना होगा नाम, ठीक है। अब कौन सा आ चुका है, तो ChatGPT 4 आ चुका है। और अगर पूछे भारत का कौन सा है, तो भारत का भारत GPT है। आपके मोबाइल में WhatsApp होगा, उसका भी GPT आ चुका है, ChatGPT। तो हर किसी ने अपना अपना लॉन्च कर दिया, जैसे Llama 3 किसका था, Facebook का था, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा ILO है, ये तो चलो ठीक है, इसके बेनिफिट नुकसान बहुत सारी चीजें हम पढ़ते रहते हैं। अब बात आती है कि जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, करता क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बना कब था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो सिंपल सा समझना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। और जब ये खत्म हुआ तो ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ द वर्सलीज। और जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई थी वो कब हुई थी, 1919 के अंदर। उसके बाद एक ग्रुप बना था, आपको याद होगा, लीग ऑफ द नेशन। और लीग ऑफ द नेशन किस लिए बनाया गया था, ताकि दूसरी बार वर्ल्ड वॉर ना हो। ये कब बना था, 1919 से लेकर 1939 तक चलता है लगभग, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, 1920 से 39 तक, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, इसको डिजोल्व कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन बन गया 24th October 1945 को। अब तुम्हारा यूनाइटेड नेशन चल रहा है। तो उस समय ILO की फॉर्मेशन की गई कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ILO बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर्स इसके हैं, तो याद रखना 187 इसके मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको यूनाइटेड नेशन की एजेंसी कब बना दिया गया था, 1946 में। ये सारे फैक्चुअल डाटा है, ठीक है, जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपसे। पूछेगा इसको क्या नोबल पीस प्राइज मिला है, हाँ एक बार मिला है, कब, 1969 का नोबल पीस प्राइज भी इसको दिया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा ये एकमात्र ऐसी UN एजेंसी है जिसमें 3 लोगों के लिए काम किया जाता है, याद रखना। इसको क्या कहते हैं, ट्राइपार्टाइट UN एजेंसी। कौन सी है, तो यही है, याद रखना, ILO। कैसे, गवर्नमेंट भी इसमें होती है, एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, तो ओनली UN की एजेंसी है, तो ऐसे भी ध्यान रखना, ठीक है। इसने अभी एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट September 2024। और इस रिपोर्ट में इसने बताया कि जो टोटल इनकम हुई है ना, वो 2019 से 2022 के कंपैरिजन में 0.6% गिर गई है। और ये जो इनकम गिरी है, उस इनकम के गिरने के पीछे का रीजन इसने किसको ठहराया है, तो इसने रीजन बताया कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब कहोगे कि सर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इसका रीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं गांवों की बात नहीं कर रहा, शहरों में बिल्कुल हो सकता है कि हम AI का यूज करके क्या कर रहे हैं, लोगों की इनकम कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई काम है वो आप किसी से करवाते हो और उसके लगते हैं 20,000 रुपए, वही काम अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके कर रहे हो, ऐप की हेल्प से कर रहे हो, तो आपको लग रहे हैं 10,000 रुपए। जैसे मान लो आजकल अकाउंटिंग है ना, GST वो इस बिल इसके ऐप देखे होंगे ना, जगह जगह ऐड लगी रहती है, जैसे जयपुर में ODU ODOO ना, सारे अकाउंटिंग के काम कर देगा। अब एक बात बताओ, अगर आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है तो आप क्यों किसी को 10-20 हज़ार रुपए पर किसी CA को या किसी बंदे को रखोगे, अकाउंटेंट को, आप क्यों ना उसी ऐप की हेल्प से कर लोगे। आज वो फ्री मिल रहा है, जैसे जियो चलता था, कल वो पैसे ले लेगा, लेकिन अल्टीमेटली उतने तो पैसे नहीं लेगा ना जितने पैसे उस बंदे को दोगे। तो कहीं ना कहीं जो AI है, तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, लोगों की जॉब खा रहा है। अब बात ये आती है कि इसमें जो टोटल इनकम है ना, 0.6% है। अब एक बात बताओ, अगर मैं अमेरिका का 0.1% मान लो, अमेरिका के 1% निकालूं तो कितना निकलता है, 45 करोड़ की पॉपुलेशन है, कितना निकलेगा। लेकिन मैं अगर इंडिया का 1% निकालूं, 141 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी,
अगर 1% लोगों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है ना उस चीज का, तो सोचो कितने लोगों की जॉब चली जाती है, कितने लोगों की जॉब इनसिक्योर हो जाती है। तो ये आज के दिन सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है कि एआई क्या कर रहा है, जॉब खा रहा है। हालांकि ऐसा कंप्लीटली ऐसा कुछ ऐसा होने वाला नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट भी पड़ा है। और ये सारी रिपोर्ट देने वाला कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गई? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5-7 बातें याद रखना, ठीक है। चलो एक तुम्हारे लिए घर से क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेजिडेंट ऑफ द ILO? ILO का करंट प्रेजिडेंट कौन है? बस ये मुझे बता देना, इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछने की उम्मीद रखना, ठीक है। इतना तुम्हें याद है तो इनफ है। अभी इसने एक डाटा दिया था कि इंडिया में 100% यूथ में से 83% यूथ क्या है? अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो वाली रिपोर्ट हम काफी बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अगर पूछे कौन से उसमें आता है तो बताओ कौन से उसमें आएगा। चलो, नो पुअर्टी, जीरो हंगर, ये तुम्हारे क्या है? 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और मैंने पहले भी कहा था इन सब की एक पिक्चर ले लो, ठीक है, और इसको दो चार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे SDG 1 में क्या है? पुअर्टी। अगर पुअर्टी के बारे में कोई स्कीम चल रही है और तुमसे पूछ ले कि SDG के कौन से उसमें आता है, तो कौन से में? पहले में, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। जीरो हंगर दूसरे में आता है, गुड हेल्थ एंड द वेलबींग जितनी भी स्कीम्स होंगी कौन से में? SDG 3 में आ जाएंगी, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन 4 में, जेंडर इक्वेलिटी 5 में, उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जैसे नमस्ते स्कीम किस में आएगी? 6 SDG में आ जाएगी। समझ रहे ना पूछने का तरीका क्या हो सकता है? आपसे पूछेगा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जैसे अभी प्रधानमंत्री रूफ टॉप सोलर स्कीम आई थी, कौन से SDG में काउंट करोगे उसको? तो 7 में डाल दोगे, समझ रहे हो ना। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बाद आपका इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर जैसे समुद्रयान और ये सब मिशन हो गए, लाइफ ऑन द लैंड, ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और लास्ट कौन सा है? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स है। बताना मुझे कि जो आपका ILO वो इसमें से किस में आएगा, ठीक है, कमेंट करके बताना अच्छे से देख के। आज तक कितने कन्वेंशन हुए हैं? ILO के 8 हुए हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? 1930 में फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन, उसके बाद अबोलिशन ऑफ द फोर्स्ड लेबर। तो ये सारे कितने बार हुए हैं? 8 बार हुए हैं, तो इनको एक बार नजर मार लेना इस पर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आर्मी सीक्स टू लोअर यूजेज ऑफ द चाइनीज इक्विपमेंट। हमारी आर्मी चाहती है कि जो चाइनीज इक्विपमेंट है ना उनका कम से कम यूज किया, बिल्कुल कम किया जाए। पता थोड़ी ना है, भरोसा दुश्मन का कोई भरोसा थोड़ी ना है, और चाइना और पाकिस्तान तो बेसिकली आस्तीन के सांप है ना, कभी भी काट सकते हैं तुम्हें। तो हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली आर्मी को जो डिफेंस में इक्विपमेंट यूज करते हो वो चाइनीज इक्विपमेंट का कम से कम यूज करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? तो हमारे आर्मी के मेजर जनरल CS मान का ऐसा कहना है, तो ये न्यूज में आ गया। तो थोड़ा सा इसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उठाने की कोशिश की इस वाले चैप्टर को, तो UAV क्या होते हैं? अनमैंड एरियल व्हीकल। क्या होते हैं? अनमैंड एरियल व्हीकल। तो सिंपल याद रखना, ड्रोन्स की बात कर रहा है, ठीक है, और ड्रोन्स काफी न्यूज में रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी आर्मी क्या यूज करती है? ड्रोन्स का यूज करती है, निशान तो ये सब, ठीक है, आपकी एयरफोर्स ने भी सब यूज कर लेती है। अच्छा, आर्मी एक क्या होती है हमारे पास? एयरफोर्स। एक क्या होती है हमारे पास? नेवी। आर्मी कब बनी थी? 1895 में। एयरफोर्स कब बनी थी? 1932 में। नेवी कब बनी थी? 1950 के अंदर। और अगर पूछे आपकी कोस्ट गार्ड कब बनी थी, तो सिंपल याद रखना कोस्ट गार्ड की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1977 के अंदर, सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वन लाइनर का पॉइंट से ध्यान रख सकते हो। वर्ल्ड बैंक्स ग्रोथ प्रोग्नोसिस फॉर इंडिया मूड सम पॉलिसी शिफ्ट। देखो हुआ क्या, पहली बात तो वर्ल्ड बैंक क्या है समझना, वर्ल्ड बैंक और एक होता है IMF, है ना, एक होता है वर्ल्ड बैंक, एक होता है आपका IMF, ठीक है। दोनों बहुत बार न्यूज में आते हैं, बहुत बार क्या तीसरे दिन याद आते हैं न्यूज में आ जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कब बना था? 1944। ये भी कब बना था? 1944, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका Washington DC। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? तो याद रखना Washington DC। इसका हेड कौन है आज के दिन? प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है प्रेसिडेंट? तो अजय बंगा, और अजय बंगा इंडियन ओरिजिन के हैं, तो याद रखना। इसका प्रेसिडेंट कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है।
ठीक है, सिंपल से याद रखना। आपसे पूछेगा दोनों करते क्या हैं, ये क्या करता है, ये आपके डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देता है, लोन देता है, ये आपके डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, सिंपल याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वर्ल्ड बैंक है ना, देखो ये सारे के सारे हमारी जो ग्रोथ रेट है ना उसको फोरकास्ट करते हैं। जैसे हमारे आरबीआई ने कहा था कि इस बार हमारी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, 7.2%, इसने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, 7%, पहले ये कह रहा था कितनी रहने वाली है, 6.6%। बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ग्लोबल रेट कितना था, सॉरी लास्ट ईयर हमारी रेट क्या थी, ग्रोथ रेट क्या थी, 8.2%, इस बार हमारा कितना अनुमान है, 7.2% रहने वाली है, ठीक है। अब से पूछेगा ग्लोबल कितना था, पिछले बार 2.8 था, इस बार कितना रह सकता है, ग्लोबल 2.6% रह सकता है, हमारा कितना था 8.2, इस बार कितना रहेगा, 7.2, ऐसा हमारा अनुमान है, कम ज्यादा हो सकता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसने बताया कि प्राइवेट कंजम्पशन है भारत में वो 5.7% पे रहेगा, और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें 4.1% ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बस सिंपल से इन डिपार्टमेंट को याद रखना। एक WEFB होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो 1971 में बना था, वो भी क्या करता है, ये सब डाटा देता रहता है, तो बार बार इनके डाटा आते रहते हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद नहीं होती कि ये चीज़ें पूछी जाएं, फिर भी आप वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो कि उसने कहा था इतना, फोरकास्ट किया था इतना परसेंटेज रहेगा ग्रोथ, उसने कहा था इतना, तो सिंपल याद रखना। तो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, 7% रह सकता है, आरबीआई क्या कह रहा है, 7.2% रह सकता है। चलो मुझे कमेंट करके बताना आईएमएफ ने क्या फोरकास्ट किया, भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। डेथ फॉर द रेप, होम्स एंड वर्कप्लेस मस्ट फर्स्ट बी मेड सेफ फॉर द वुमेन। देखो अभी क्या हुआ, जैसे आपने देखा वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता में रेप हुआ था, है ना, उस रेप के बाद जो कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उसने एक बिल पास किया जिसका नाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना इसको, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। और इसमें क्या कहा गया, इसमें डेथ पेनल्टी लगाई गई है, ध्यान रखना। अगर पूछे क्राइम, अगर किसी ने रेप किया है, किसी ने गैंग रेप किया है, किसी ने पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऐसी हरकत की है, किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसी हरकत की है, तो उसको सीधा क्या है, फांसी की सजा का प्रोविजन किया गया है। दूसरी बात, अगर इसमें दो ऑप्शन है, ध्यान रखना, देखो जैसे बहुत अच्छे से लिखा हुआ भी है, इसमें क्या किया गया है, फॉलोइंग द रेप एंड मर्डर ऑफ द डॉक्टर एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कोलकाता ऑन द अगस्त 9, ठीक है, तो कुछ प्रोविजन किए गए हैं, जैसे 5 ऑफेंस बताए गए, रेप, रेप बाय पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, रेप कॉजिंग डेथ और सेंडिंग विक्टिम टू द वेजिटेटिव स्टेट, गैंग रेप एंड बीइंग ए रिपीट ऑफेंडर, इट ऑल्सो अमेंड्स द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्स टू ट्राई फॉर द ऑफेंस इन द टाइम बाउंड मैनर। इसमें कह दिया गया है कि कम से कम आपको 30 दिन के अंदर क्या करना होगा, उसको डिस्पोज करना होगा, और इसके अंदर क्या कर दिया गया, लाइफ इंप्रिजमेंट है। अगर रेप के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, फांसी दे दी जाएगी, और अगर रेप होता है, अगर माइनर है जिसका रेप हुआ है तो फांसी है सीधी, अगर रेप जिसका हुआ है वो माइनर नहीं है, वो जिंदा बच जाती है, या गैंग रेप नहीं है, ठीक है, एक इंडिविजुअल रेप है, तो उस केस में उसको लाइफ इंप्रिजमेंट कंपल्सरी है। तो ऐसा समझ लो कि आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजमेंट तो कंपल्सरी है, और विदाउट पेरोल है, ध्यान रखना। जैसे देखा होगा आसाराम कल परसों आ गया ना पेरोल पे, उधर राम रहीम बाबा पिछले 10 साल जितनी उसकी सजाई है उसमें से 40% तो बाहर घूम रहा है वो, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा खेल होता है वो, हम तुम जानते हैं ना, मैंने हमेशा कहा है हमें तुम्हें कौन बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, सरकारें नहीं बचाती हैं, ठीक है, सब अपने बेनिफिट को देखती हैं। तो याद रखना ये बिल ऐसा पास किया गया जिसमें कह दिया विदाउट पेरोल, आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजमेंट और आपको फांसी की सजा हो सकती है। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। हालांकि ये बिल है पास नहीं हुआ है, क्योंकि पास करने के लिए देखो इसको नागरिक आपने पढ़ा होगा भारतीय न्याय संहिता ना, IPS, IPC, ठीक है, सुरक्षा संहिता ना, जो आपकी CRPC, इसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसके विदिन लाइज करते हैं, किसकी टेरिटरी में, तो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके रूल्स के अंडर भी आते हैं, तो पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको परमिशन देते हैं कि नहीं देते, आई थिंक दे दी जाएगी, तो ये बिल ही सो एक्ट ही बन गया, ऐसे समझ लेना, ठीक है, प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद बन जाएगा, ठीक है। अगर वो उनको अल्टर नहीं कर रहा होता सेंट्रल वाले लॉज को, तो इसको स्टेट गवर्नर ही पास कर देता, ठीक है। अगर पूछे कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी, ये वही जस्टिस वर्मा कमेटी है जिन्होंने क्या किया था, याद करो क्या किया था, जीरो FIR का कॉन्सेप्ट, क्या था जीरो FIR, अगर तुम्हारे साथ कोई क्राइम हुआ है और कोई तुम्हारी FIR नहीं लिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, अगर आपकी FIR नहीं लिखी जा रही है तो आप किसी दूसरे थाने में जाकर FIR लिखवा सकते हो,
और वो FIR एज ए जीरो FIR रजिस्टर होगी, उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं मिलेगा, फिर वहाँ से ओरिजिनल जो थाना है उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगी, फिर मजबूरी में पुलिस वालों को FIR लिखनी पड़ेगी और फिर कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए लाया गया था कि कई बार जो बाहुबली लोग होते हैं उनके डर के मारे पुलिस वाले क्या करते हैं, FIR ही नहीं लिखते, लोगों को पनिशमेंट, लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है। तब आपने पढ़ा होगा जो निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, उसके बाद ये लाया गया था कि किसी भी थाने में एक जीरो FIR लिखवाई जा सकती है, उसके बाद वो उस कंसर्न थाने में ट्रांसफर हो जाएगी। और उसका रिजल्ट क्या था कि जो बाबा आसाराम थे, है ना, आप लोगों के जो फेवरेट बाबा आसाराम थे, वो आज कहाँ पर हैं, जेल के अंदर, ठीक है, जीरो FIR का ही वो था, वरना तो वो आज बाहर ही होते, समझ गए, जो भी था मैं समझा चुका हूँ पहले, ठीक है। जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी, समझ में आ गई बात, बिल कौन सा है क्या नहीं है प्रोविजन, उसको थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। और जो रेप केसेस है उनको हमने काफी बार डिस्कस भी किया है पहले। गैप बिटवीन एलोकेशंस फॉर हेल्थ आउटकम्स इन द स्टेट्स, देखो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, पढ़ने की कोशिश करना, कि सेंटर जो होता है ना वो हमसे पैसा लेता है, ठीक है, और फिर पैसे का री एलोकेशन करता है, और जो पैसे का एलोकेशन होता है उस पैसे का एलोकेशन करने वाला कौन है, फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन मान लो मेरे स्टेट से 100 रुपए लेता है, तो क्या गारंटी मुझे वापस देगा, वो मुझे 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए देगा। तो आपने पढ़ा होगा फाइनेंस कमीशन, समझने की कोशिश करना, फाइनेंस कमीशन। अगर तुम लोगों ने स्पेशल स्टेट वाला, स्पेशल कैटेगरी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल होता है, 280। कितने मेंबर होते हैं इसमें फाइनेंस कमीशन में टोटल, तो याद रखना 5, 1+4, एक कौन होता है, चीफ फाइनेंस कमिश्नर। कौन है आज के दिन, तो याद रखना NK सिंह। कौन से नंबर वाला है, देखो ये लिखा 15th फाइनेंस कमीशन, कौन से नंबर वाला है, 15th नंबर वाला है। आपसे पूछेगा 16th किसको बनाया गया है, तो याद रखना अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया। और अरविंद पनघड़िया कब से एक्टिवेट होंगे, यानी कि कब से काम करना शुरू करेंगे, 2026 से, ध्यान रखना, ठीक है। पहला कौन था, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट चीफ फाइनेंस कमिश्नर कौन था, तो याद रखना KC नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी, सिंपल सा याद रखना। इससे पहले जो 14th फाइनेंस कमीशन था, चलो मुझे कमेंट करके बताना 14th फाइनेंस कमीशन के कमिश्नर कौन थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि पहले 32% तक एलोकेशन होता था, उन्होंने कहा था 42% तक दे दिया जाए। लेकिन इसी के अंदर आपने देखा जो स्टेट बाउंड्री पर है, यानी कि दूसरे देशों के साथ बाउंड्री पे है, जिसमें जंगल पहाड़ बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट माउंटेन्स ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है, उनको स्पेशल स्टेटस ही होता है। ऐसे 10 स्टेट बने हुए हैं, ठीक है, जो बाउंड्री लाइन पर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा था, बिहार डिमांड कर रहा था, आर्टिकल 371, वो सब हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। तो अल्टीमेटली ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है एलोकेशन करना। इस आर्टिकल में कहा गया है कि देखो ढंग से पढ़ो, गैप बिटवीन एलोकेशंस फॉर हेल्थ आउटकम्स इन द स्टेट, जितना पैसा हेल्थ वाले डिपार्टमेंट में देना चाहिए था ना, जितना खर्च करना चाहिए उतना खर्च नहीं होता है। देखो आज के टाइम पर सबसे बड़ा इशू, कल ही मैं कोई बहुत अच्छा एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पे, वो कह रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनीज की मजे ही मजे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी हेल्थ स्कीम्स तुम्हें दे रखी हैं, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, इतना तुम इंश्योरेंस बांट रहे हो, इतनी तुम्हारी हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा कर दो ना, तुम सरकारी हॉस्पिटल में गांव तक ना, जो मोहल्ले तक है ना, अपनी फैसिलिटीज को इतना अच्छा पहुंचा दो। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि लोगों को नीड ही क्या है हेल्थ इंश्योरेंस और इन सब के कराने की, मुझे बीमार हो गया तो कुछ, बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा समझना, स्टेट जितना पैसा लेता है उतना खर्च नहीं करता सेंटर तुम्हारे ऊपर, और उसमें जो जैसे कल परसों मैंने आपको बताया था कि वो चल रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ पर तंबाकू एपिडेमिक चल रहा है बेसिकली ना, 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तंबाकू खाते हैं, तुम्हारे जैसे जो यूथ है वो सबसे ज्यादा है उसके अंदर, तो अल्टीमेटली एपिडेमिक बन गया, पूरा भारत इसके अंदर चपेट में आ चुका है। तो आपने देखा स्टेट जो सेंटर होता है ना, वो हेल्थ स्कीम पे 48,000 करोड़ रुपये खर्च करता है बस, 48,000 करोड़ रुपीज। लेकिन इसकी वजह से, इन बीमारियों की वजह से हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर 1.7 लाख करोड़ रुपीज तक का क्या पड़ता है, डेंट पड़ता है, यानी कि खर्चा आता है। तो अल्टीमेटली हमें इसको क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो बस वही इसमें अच्छे से डिस्कस किया गया, थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया, 2-4 स्कीम बताई गई है, जैसे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है वो तो 100% पैसा सेंटर देता है, और जो सेंटर और स्टेट की स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना, CSS जो बोलते हैं सेंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें 90-10, 70-30 ऐसा रेशियो होता है। तो 2-4 स्कीम है जैसे कि इसमें डिस्कस किया गया है, PM अभिम है ना, आयुष्मान भारत जो योजना है उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताना, आई कब थी आयुष्मान भारत। दूसरी एक स्कीम है ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन HRHME स्कीम, ठीक है, ये भी बताना कब आई थी, ठीक है। तो इनके ऊपर उतना पैसा नहीं खर्च हो रहा जितना होना चाहिए, लो फंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, फंड यूज ही नहीं किया गया, वो सब बातें लिखी है, तो आई थिंक समझ गए होंगे। और राइट टू हेल्थ, हमें तो एग्जाम से बात करना है, तो राइट टू हेल्थ कौन से आर्टिकल में आता है बताओ, आर्टिकल 21, जीने का अधिकार है तुम्हारा, ध्यान रखना, इसमें आता है।
अगर मैं स्टेट की बात करूं तो राइट टू हेल्थ प्रोवाइड कौन कराएगा? स्टेट प्रोवाइड कराएगा आर्टिकल 41, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू असिस्टेंस टू द पीपल हु आर जो क्या है फिजिकली डिसेबल्ड है उनको हेल्प कराएगा, कौन सा? 41. वैसे देखा जाए तो 21, वैसे अगर प्रेगनेंट वुमेन की हेल्थ की बात करें तो 42. ठीक है, तो ये सारी कंसर्न भी याद रखना. ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. आई थिंक इसकी थीम समझ गए होगे तुम. From crisis to cascade of hope. देखो ये बार बार न्यूज में आता रहता है, कावेरी 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 रिवर. कावेरी रिवर का दूसरा नाम क्या याद रखना, इसी को कहते हैं पोनी रिवर. बहुत बार न्यूज में आता है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं पोनी रिवर. ठीक है, इस कावेरी को ही क्या कहते हैं, साउथ की गंगा. याद रखना दक्षिण की गंगा जहां क्या आ गया कावेरी, कह के कावेरी, और दक्षिणी गंगा वो गोदावरी. तो साउथ गंगा गोदावरी, गंगा ऑफ साउथ ऑफ कह का की, समझ रहे हो ना, तो जहां कह आ गया वहां कावेरी कर देना. ठीक है, दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी. बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, ओल्ड गंगा, तो गोदावरी को कहते हैं. सबसे ओल्डेस्ट रिवर कौन सी है, तो गोदावरी है भारत की, याद रखना, जो 1465 किलोमीटर चलती है. या जो आपकी गंगा है वो तो बाद में बनी है, ठीक है ना, हिमालय के बाद. अब एक बात समझना कि ये जो कावेरी है ना, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी, याद रखना, बहुत न्यूज में रहता है. लेफ्ट और राइट से कौन कौन सी मिलती है, अरकावती, हेमवती, सिमसा, हरांगी, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ राइट से मिलती है, सुवर्णती, नोयली, भवानी, काबिनी, अमरावती, ये आपकी राइट से मिलती है. लेकिन ये जो डिस्प्यूट है ना कावेरी का, ये बहुत पुराना है, 1892 से चला रहा है, 1924 में भी हुआ था अंग्रेजों के सामने, फिर हमने CWDT बनाया, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल. याद रखना ये बहुत बार न्यूज में रहता है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है. जैसे समझना ये आपका मैप बना हुआ है, ठीक है, आपकी कावेरी रिवर यहां से चलना स्टार्ट करती है और चलते चलते कहां पहुंच जाती है, आपकी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. तो बेसिकली जो कावेरी रिवर है ना, इसका जो डिस्प्यूट है कितने स्टेट के बीच में फैला हुआ है, तो याद रखना चार स्टेट के बीच में, तीन स्टेट है, एक यूटी आपकी. कौन कौन सा, तो याद रखना केरल, ठीक है, उसके बाद आपका कर्नाटक, ठीक है, उसके बाद आपका तमिलनाडु, और लास्ट कौन सा आ जाता है, पुडुचेरी. इन चार के अंदर है, तीन स्टेट और एक यूटी के अंदर फैला हुआ है. ठीक है, होता क्या है, इसके अंदर जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो जैसे मान लो यहां पर कोई स्टेट है उसने ज्यादा पानी रोक लिया या नहीं पहुंचा, इसने सारा रोक लिया या नहीं पहुंचा, इन तीनों ने रोक लिया तो यहां पर कुछ पहुंचा ही नहीं, नहीं पहुंचा तो ये बेचारे क्या मर जाएंगे, पैसे मर जाएंगे. तो इस केस में इसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से करने के लिए क्या चला आ रहा है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल या डिस्प्यूट चला आ रहा है, समझ रहे हो. मुझे कमेंट करके बताना बना कब था CWDT, है ना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कब बना था, 1990s में बना था, ईयर कमेंट करके बताना कौन सी ईयर में बना होता है. ठीक है, पहले का पढ़ा होगा तो याद होगा. अब मैं कहता हूं कि मान लो कोई स्टेट है, दो स्टेट है ना, ये आपका मान लो हरियाणा है और ये आपका मान लो राजस्थान है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो कौन सा आर्टिकल इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगा, तो आर्टिकल कौन सा होता है, 131. लेकिन मान लो ये तुम्हारा एक स्टेट है और ये तुम्हारा दूसरा स्टेट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है वो पानी को लेकर है, यानी कि वाटर को लेकर है, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, तो सिंपल से याद रखना 262 आर्टिकल इसको क्या करता है, रिजोल्व करता है. इस बात को भी ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. साइबेरियन गेटवे टू हेल ट्रिपल्स इन साइज 30 ईयर्स, साइंटिस्ट वरीड. देखो हुआ क्या, एक्चुअल में साइबेरिया में जो एक जगह बनी है, देखो जैसा कि इसमें दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, ये जो जगह है ना, ये खड्डा बढ़ता जा रहा है और ये खड्डा इतना बढ़ता जा रहा है कि साइंटिस्टों ने इसको नाम दिया है गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड. तो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेटवे ऑफ द अंडरवर्ल्ड, तो सिंपल याद रखना क्या नाम है इसका, तो गेटवे ऑफ द हेल भी कहते हैं, गेटवे टू हेल भी कहते हैं. नाम क्या है इसका, बटागाइका क्रेटर, क्रेटर यानी खड्डा. अब समझना इसके बारे में, वर्ल्ड्स बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर है, क्रेटर यानी खड्डा. परमाफ्रोस्ट क्रेटर क्या होता है, तो ग्राउंड दैट रिमेन्स फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, एक ऐसी जमीन जो लगभग कम से कम 2 साल के लिए क्या थी, फ्रीज थी, उसमें बर्फ थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो बर्फ पिंगल पिंगल के खड्डा बढ़ता चला जा रहा था, तो उसे क्या कह देते हैं, परमाफ्रोस्ट. तो दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रोस्ट कौन सा है, तो याद रखना आपका गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड, जिसका नाम क्या है, बेटागाइका क्रेटर. ठीक है, कहां पर है आपका, तो साइबेरिया के अंदर है. ठीक है, सिंपल से याद रखना, रशिया, अफ्रीका, इधर तुम्हारा साइबेरिया वाले इलाके में पाया जाता है. अब आपके साइंटिस्ट के ओवर रीड है, तो सिंपल समझना, पहले ये जो था ना 1999 में इतना सा खड्डा था, फिर ये इतना हुआ, अब ये इतना हो गया, ये बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अल्टीमेटली साइंटिस्टों को क्या होने लगी है, टेंशन होने लगी है कि कहीं ये पूरा का पूरा पिघल के क्या ना हो जाए. देखो एक्चुअल क्या है कि नीचे क्या था, बर्फ. ठीक है, कब बना था ये, लगभग ऐसा माना जाता है कि आज से 2.58 मिलियन ईयर पहले ये बना था,
और उसके ऊपर सरफेस बन गया, घास उग गई, सब हो गया, नीचे बर्फ ही बर्फ थी। अब अल्टीमेटली वो बर्फ पिघलती जा रही है तो खड्डा बढ़ता जा रहा है बस। तो आपसे सिंपल वन लाइनर में पूछेगा किसे कहा जाता है गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड या गेटवे टू हेल्थ, तो सिंपल सा याद रखना। ओके, वन लाइनर क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटीज मिशन इन इंडिया, अभी जो स्मार्ट सिटीज मिशन है ना उसका दूसरा फेज चलाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा फेज हालांकि कह सकता हूं कि देखो हुआ क्या था, स्मार्ट सिटीज का मतलब क्या है, एक ऐसी सिटी जो बहुत स्मार्ट हो, जैसे तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, है ना, हालांकि हो नहीं हो, आप मानते जरूर हो कि तुम लोग स्मार्ट हो, है ना। तो अल्टीमेटली स्मार्ट सिटी क्या होती है, एक सिटी एक स्मार्ट सिटी, जैसे कि मान लो पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपका लोगों के रहने सहने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। और मैं अगर उसके साथ बात करूं तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूं कि जैसे गैस लाइन होती है, तो अगर तुम देखोगे सिलेंडर से भरवा भरवा के लाते हो ना, सिलेंडर भरवा के लाते हो, एक ऐसा हो कि तुम्हारे घर के बाहर पाइपलाइन लगी है, तुमने उसमें कनेक्ट किया, पानी पानी की तरह तुम्हारी गैस आ रही थी, बाहर मीटर लगा था, जितना महीने में तुमने गैस यूज की तुम्हारा बिल आ गया। ये कैसी सिटी होगी, स्मार्ट सिटी होगी, रहने का तरीका स्मार्ट हो गया। तो हमने एक टारगेट बनाया था जब हमारे बीजेपी सरकार आई थी, तो इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, और जब 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे तो उस टारगेट में मुझे कमेंट करके बताना फर्स्ट सिटी कौन सी थी और लास्ट सिटी कौन सी थी। मैं लिखवा चुका हूं कई बार, ठीक है, फर्स्ट स्मार्ट सिटी और लास्ट स्मार्ट सिटी कौन सी थी ये कमेंट करके बताना। अब क्या हुआ, इसको चलाया गया, 48,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, 5 साल में ही पैसे खर्च करने थे, ठीक है, 100 सिटीज का टारगेट लिया गया। कब आई थी स्मार्ट सिटीज मिशन, तो याद रखना 2015 में आया था, जून 2023 में इसको खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली जून 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, ठीक है, ये और दूसरे मिशन है जो उसके बारे में लिखे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसका जो सेकंड फेज है ना वो बस अब स्टार्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो सिंपल वन लाइनर के व्यू से याद रखना, समझ गए स्मार्ट सिटीज के बारे में। अब से पूछेगा और कौन कौन से मिशन चले थे, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर द रिजुवेनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्वच्छ भारत मिशन, और उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये सारी की सारी भी किसके लिए चलाई गई थी, स्वच्छ भारत के लिए। आपको पता होगा क्लीन गंगा, कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, क्लीन गंगा। चलो मुझे कमेंट करके बताना ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना, आपकी अमृत, आपकी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, आपका स्वच्छ भारत मिशन, आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, इन चारों के जो राइट जो ईयर थे ना, इनेक्टमेंट के जो ईयर थे, वो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये तुम्हारे घर का क्वेश्चन है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हाई हैज हिमाचल प्रदेश रेज द मैरिजेबल एज फॉर द वुमेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश है उसने जो शादी की एज है ना, उस शादी की एज को क्यों बढ़ाने की बात कही है। तो आज के टाइम अगर तुम देखोगे तो शादी की एज कर रखी है हमने कितनी, 18 साल लड़कियों के लिए, 21 साल लड़कों के लिए। लेकिन याद रखना पहले ऐसा नहीं था। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी धर्म जो था ना, वो पहले मैं कह सकता हूं कि उसमें इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां बहुत थी, कमियां बहुत थी। धीरे धीरे हम लोग लिटरेट होते चले गए, पढ़ने लिखने लग गए, हमने दिमाग का, हमारे दिमाग का डेवलपमेंट हुआ, हमने सारी बीमारियों को, सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया, और आज हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करके बैठे हैं। यही तो हो रहा है ना कि अच्छी सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है। अल्टीमेटली पहले ऐसा नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हिंदू धर्म था, हमारा जो सोसाइटी थी, हमारा जो सनातन धर्म था, इसमें जो लड़कियों की शादियां होती थी ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि किसी लड़की की शादी वो 10 साल से भी कम उम्र में कर देते थे, बिलो 10 ईयर, 10 साल से भी कम उम्र में कर देते थे। फिर धीरे धीरे अंग्रेज यहां पर आए, अंग्रेजों ने हमें पढ़ाना लिखाना शुरू किया। 1813 में 1813 की जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, हमारे लिए एजुकेशन बजट लेकर आए, समझना इसको अच्छे से, एजुकेशन बजट लेकर आए। और कितने रुपए का एजुकेशन बजट था याद रखना, 1,00,000 रुपए का, उस समय बहुत वैल्यू थी। इन्होंने हमें पढ़ाना लिखाना शुरू किया, पढ़ाने लिखाना शुरू किया, धीरे धीरे हम पढ़े लिखे हुए। एक आदमी निकला, कौन, राजा राम मोहन राय, पढ़ लिख गए। उन्होंने, उनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय इज नोन एज द फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कहते हैं उनको, याद रखना। उनको ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर भी कहते हैं। उनका मानना था कि हमें पास्ट मतलब इंडियन कल्चर, फ्यूचर मतलब वेस्टर्न कल्चर, दोनों के हिसाब से रहना चाहिए। जैसे आज मैं शहर में रहता हूं तो शहर की तरह रहता हूं, मैं गांव में चला जाता हूं तो गांव की तरह रहता हूं, तो मैं दोनों कल्चर को मेंटेन करके बैठा हूं। अगर आप उसी में रहोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत है, अगर तुम बिल्कुल शहर के बन जाओगे ना तो भी तुम्हारे लिए दिक्कत है, बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेंटेन रहना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा, इसलिए हम उनको फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहे। धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई हुई, सती प्रथा चलती थी, इन्होंने बैन करवाया। किसने बैन करवाया, राजा राम मोहन राय ने 1829 के अंदर।
है ना, लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि उन्हें रूल किस पे करना था, तुम्हारे ऊपर, हमें रूल करना है जवान लोगों पे रूल करना है, तो उन्होंने हमारी बातें मानी। फिर हमने क्या किया, जो विधवा हो जाती थी, जिनकी सती नहीं होने दिया जाता था, उनकी रीमैरिज नहीं होती थी, फिर आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया, उन्होंने खुद भी एक विधवा से शादी की, अपने इकलौते बेटे की शादी विधवा से करवाई कि इनसे शादी करना कोई पाप नहीं है। आज देखो विधवाओं से शादी करना तो बहुत छोटी बात हो चुकी है, अगर कोई लेडीज अपनी मर्जी से 5 लोगों को छोड़ रही है और चठे के साथ वो शादी करना चाहती है तो हम इजिली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो चुका, हम लिटरेट हो चुके, हम पढ़ लिख चुके, हमारे जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी ना दिमाग की वो खुल चुकी हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है इट्स ओके चलता है। पहले ऐसा नहीं था। इन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम थी कौन सी, चाइल्ड मैरिज। उस समय लड़कियों की शादी हो जाती थी 9-10 साल में, और उस समय हम पढ़े लिखे हो गए थे, तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक बिल पास होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, एज ऑफ कंसेंट बिल। समझना इस पूरी कहानी को जो मैं सुना रहा हूं, एज ऑफ कंसेंट बिल, ठीक है, एज ऑफ कंसेंट बिल कब आया, 1860। इसमें कह दिया कि लड़कियों की फीमेल की शादी की एज जो होगी ना वो कम से कम 10 साल होनी चाहिए, इससे कम अगर हुई तो पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर इसको आगे चल के याद रखना, इसी को 1891 में दोबारा पास किया गया और इसमें कह दिया गया फीमेल की शादी की एज जो है ना 12 साल होगी, इससे कम होगी तो ठीक नहीं रहेगा, सजा हो जाएगी। जैसे कि उसमें कह दिया था सती प्रथा में कि अगर ऐसा होगा तो फांसी दे देंगे, जो वहाँ प्रेजेंट भी हुआ ना सती को देखते हुए उसको फांसी दे देंगे। लोगों ने जाना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया तो लोगों ने करना बंद कर दिया, आज नहीं होती सतियाँ। अल्टीमेटली इसमें भी ऐसा हुआ। फिर 1929 के अंदर, एक बिल आता है, एक एक्ट आता है शारदा एक्ट, ठीक है। शारदा एक्ट में क्या किया गया, फीमेल की शादी की एज कितनी फिक्स कर दी गई, 14 ईयर, ठीक है। फिर आगे चल के एक और एक्ट आता है जो अभी चल रहा है 1978 का, है ना, मैरिज एक्ट। इस 1978 के एक्ट में कर दिया गया फीमेल की शादी की एज कितनी होगी, 18 साल, और आपकी जो मेल की शादी की एज होगी वो कितनी होगी, 21 साल। तो देखो तुम यहां पर देखो ध्यान से, तुमने 9 साल से 18 साल तक का सफर तय किया है, कितनी स्ट्रगल्स के बाद। अच्छा बताओ किसी भी धर्म में तुम देखोगे सबसे ज्यादा एक्सप्लोइटेशन किसका होता है, वुमेन का, महिलाओं का, मेल्स का किसी में एक्सप्लोइटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि सारे के सारे धर्म क्या है, पुरुष प्रधान है, मेल डोमिनेंट रिलीजन है सारे के सारे। तो हमें क्या करना चाहिए, इनसे बाहर निकलना चाहिए, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे ये सब चीजें देखी। अब क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश जो है ना वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने बिल पास किया है कि लड़कियों की शादी की 18 से 21 कर दो। याद रखना 2019 में ये बिल आ चुका है उसमें सेंटर में, लेकिन ये एक्ट नहीं बना था, क्योंकि एक्ट जब बनता है जब प्रेसिडेंट साइन कर देता है, तो प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया था, तो ये आज भी 18 और 21 ही है। उस समय आया था लड़की की 21 कर दो, लड़के की 23 कर दो, लेकिन बिल ही रह गया। अब हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है जिसने 18 से 21 करने की बात कही है, किसकी, लड़कियों की शादी की एज। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं कि एक अर्ली एज में मान लो कोई किसी लड़की की 16 साल में शादी हो गई है ना, चाइल्ड मैरिज हो गई, चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्ट है, तो प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था याद रखना, और जो पोक्सो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस कब आया था, 2012 में। अब सोचो किसी के 16 साल में 17 साल में शादी हो गई और उसको बच्चा हो गया, मान लो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो कितने मेंटल ट्रोमा से गुजरेगी, कितने फिजिकल चेंजेस से गुजरेगी, कितना उसका नुकसान हो जाएगा, क्या वो जिंदगी में कुछ अच्छा सोच पाएगी, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो पहले हर बच्चे का राइट है डेवलपमेंट होना, ठीक है, उसको सारे के सारे एस्पेक्ट खुले होने चाहिए, उसके साथ लड़का हो चाहे लड़की, उसको खूब अपनी जिंदगी जीने का राइट है। तो हम भी ये चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार भी ये चाहती है कि भाई कम से कम 21 साल कर दो, ताकि कॉलेज लाइफ तक वो पहुंचे, कंपलसरी हो जाए तो कोई करेगा नहीं, फिर उसके जो लाइफ के अंदर उसको जो करना था उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या वो बढ़ जाए। तो ये भी हो सकता है, फ्रीडम लिबर्टी ये भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, उसके हेल्थ को देखते हुए भी अच्छा है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उससे हमारा सोसाइटी जो हमारा समाज है वो भी क्या होगा, अच्छा पढ़ा लिखा बनेगा। और आज क्या है, टीचर्स डे, और तुम जानते हो कि सबसे अच्छी टीचर कौन होती है, दुनिया की सबसे पहली टीचर कौन है, माँ। अब सोचो कि वो माँ ही पढ़ी लिखी नहीं है, 16-17 साल में शादी हो जा रही है अर्ली एज में, तो बच्चे के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इस पहलू को भी मैं नज़र में रख सकता हूँ, बात समझ में आ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया, हिमाचल प्रदेश, याद रखना हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट जिसने इस बिल को पास किया, सिंपल सा वन लाइनर में ये ध्यान रखना, और इसके पीछे की कहानियां भी याद रखना। अगर मैं बात करता हूँ चाइल्ड मैरिज की, तो आज भी देखो चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होती है। आप कहोगे चाइल्ड मैरिज तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले राजस्थान आता होगा ना, कि राजस्थान में हो जाती है। याद रखना राजस्थान ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, राजस्थान पहले वाला राजस्थान नहीं रहा जिसमें चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। आज सबसे पहले नंबर पे चाइल्ड मैरिज में कौन आता है, तो देखो 3 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, इसमें 40% शादियां चाइल्ड मैरिज होती हैं।
यानी 18 साल से पहले शादियां होती हैं, ध्यान रखना। राजस्थान, राजस्थान ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया, तुम लोगों को तो मिठाई बांटनी चाहिए ना, 35% होता था 2015-16 में, अब ये 2020 में 25% रह गया है, तुमने 10% शादियां कम कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या, लिटरेसी। फिर भी राजस्थान में लिटरेसी गैप सबसे कम है, ध्यान रखना, सॉरी सबसे ज्यादा है। मेल्स 79% पढ़े लिखे हैं, फीमेल्स 52% पढ़ी लिखी हैं। और जब ये फीमेल 52 की जगह 62, 72, 82 पहुंच जाएंगी ना, तो ये जो रेशियो है ना वो तुम्हें अपने आप ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन वो जब होगा तब होगा, हमें तो आज का डाटा याद रखना है। समझ में आ रही है बात? तो कौन सा हो गया, एमपी ने सबसे अच्छा सुधार किया, 32.4% से 23.1% इसने कर दिया है। 2015 में लगभग इतने होते थे, अब इतने, अब भी कौन है, वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। अच्छा, अभी मैंने एसडीजी लिखवाए थे क्या, यूएनएसडीजी, कौन से नंबर की एसडीजी में आता है, तो याद रखना एसडीजी 5 में आता है ये, ठीक है, इसको भी याद रखना, चाइल्ड मैरिज और ये सब, समझ में आ रही है बात, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, फिर आता है आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 क्या कहता है, तो सिंपल समझना, आपने पढ़ा होगा, इस आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है ना, इस वाले न्यूज में, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 254, क्योंकि जो न्यूज में आया वही पूछना है उसने अल्टीमेटली। 254 क्या कहता है, देखो, एक होता है यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये कौन से उसके सब्जेक्ट हैं, तो ये तीनों के तीनों शेड्यूल नंबर 7 में लिखे हुए हैं, शेड्यूल नंबर 7 में इनको लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट में कौन होगा, जो यूनियन जिसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, जैसे बॉर्डर हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, कल को भजन लाल शर्मा जी थोड़ी ना बताएंगे राजस्थान के, नहीं नहीं यूक्रेन से ये बात करके आओ, वो तो मोदी जी देखेंगे, सेंटर का काम है, तो डिफेंस और ये सब क्या हो गया, फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस किसका है, सेंटर का काम है। स्टेट का, जैसे राजस्थान पुलिस, मोदी जी नहीं कहेंगे राजस्थान पुलिस की ड्रेस बदल दो, वो सेंटर का स्टेट का काम है, तो स्टेट लिस्ट में हो गए। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जो दोनों के मिक्स होते हैं, जैसे एजुकेशन, चाहो तो आरबीएससी में पढ़ लो, चाहो तो सीबीएसई में पढ़ लो, हेल्थ, ये सब क्या है आपके कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पर जब डिस्प्यूट राइज होता है तो कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है, सिंपल से याद रखना, इसको इस आर्टिकल में भी लिखा गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, ठीक है, क्योंकि टू रेमेडी दिस द स्टेट लेजिस्लेशन विल हैव टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड रिसीव हिज या हर असेंट ऑन द अकॉर्डेंस विद द क्लोज टू ऑफ द आर्टिकल 254। अगर तुम्हें इस कंकरेंट लिस्ट में कोई चेंजमेंट करना है, देखो स्टेट में करना होता तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें करना है तो तुम्हें प्रेसिडेंट यानी सेंटर की हेल्प चाहिए, तो आर्टिकल 254 उससे लिंक करता है, बस इतना सा है, ठीक है। अच्छा, और लड़कियों के लिए कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना 2015, जिसमें लड़कियों के नाम पर आप पैसे जमा करा सकते हो, जब वो एक सर्टेन एज पर पहुंचती है, 18 साल की एज पर, शादी की एज पर, तो आप उसको एक अच्छा खासा आपको लमसम मिल जाता है, उससे आप उसकी हायर एजुकेशन को करा सकते हो। देखो सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हमारे यहाँ पर ये जो सेक्स रेशियो के कम होने का, ये सब लड़का लड़की कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या था, सबसे ज्यादा हरियाणा में होती थी ना, इसलिए हरियाणा में सबसे कम क्या है, जो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा गैप भी हरियाणा में मिलेगा तुम्हें, 2011 में 877 के आसपास था बाई 1000। अब क्या हुआ, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्यों होता था, क्योंकि लड़कों लोगों को लगता था कि लड़की है शादी करेंगे बहुत पैसा आएगा, है ना, इसका शादी ब्याह करना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, और फिर हम ये मानते हैं कि लड़की तो पराया धन होती है, ये भी हमारी सोच होती है सोसाइटी में। तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने स्कीम्स चलाई, सुकन्या समृद्धि योजना, साल के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, मिनिमम 500 रुपए जमा कराओ, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पैसा मिलेगा, जब वो लड़की एक सर्टेन एज पर पहुंचेगी तो तुम्हें पढ़ाई की टेंशन नहीं है, सरकार तुम्हें उसका इंटरेस्ट पे आउट करेगी, जब शादी करनी होगी तो इंटरेस्ट पे आउट करेगी। और आई थिंक अगर 1.5 लाख रुपए पर ईयर जमा करते हो तो उसकी एज तक लगभग वो 60-70 लाख रुपए बन जाता है, समझ गए। तो ये अच्छी अच्छी स्कीम्स भी है ताकि इन सबको रोका जा सके, समझ गए ना, चाइल्ड मैरिज और ये सबको। फिर कौन सी है, बालिका समृद्धि योजना, ठीक है, ऐसे कुछ स्कीम्स भी है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी नो अबाउट द ANIIDCO, ये शायद हमने पहले भी पढ़ा था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, अंडमान निकोबार के अंदर क्या बना रहे थे, वो एक डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, वहां से ट्राइब्स को डिस्प्लेस किया जा रहा था। चलो मुझे बताना कौन कौन सी दो ट्राइब्स हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन कौन सी दो ट्राइब्स अंडमान निकोबार में रहती है जिनको डिस्प्लेस करने की बात की जा रही थी, और वहां पर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, किस पर, किस बात के लिए, ताकि हमारा भी वो बंगाल में क्या बढ़ सके, हमारा डोमिनेंस बढ़ सके, इन सब के लिए हम उसको कर रहे थे। तो अल्टीमेटली ये न्यूज शायद मैं 5-7 दिन पहले पढ़ा चुका हूं, पहले तो आप एक बार वहां से देख सकते हो, ठीक है, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये वाला, उस दिन भी हमने देखा होगा, सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, ये कैपिटल अंडमान निकोबार की है ना, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ये सब बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया, तो आई थिंक आपको याद भी होगा, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ओके, थैंक यू, आज के लिए आई थिंक इतना ही था, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इट इन द
कमेंट सेक्शन, और आप कमेंट सेक्शन में डालोगे तो हम उसको अगले दिन डिस्कस कर लेंगे. ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर टीचर्स. थैंक यू.